तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। आओ यार देखते हैं। ठीक है, सो एक स्ट्रिंग गिवन है डिनोटिंग स्ट्रीम ऑफ लोअर केस अल्फाबेट्स। यू नीड टू मेक अ न्यू स्ट्रिंग बी। बी इज फॉर्म्ड सच दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स ईच टाइम अ कैरेक्टर इज इंसर्टेड। तो अपने को नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, एंड अपेंड इट टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग बी। ओके, इफ नो non-repeating character is found, append hashtag at the end of b। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, टेस्ट केस रन करेंगे जब क्लियर होगा। तो ए बी ए डी बी सी के लिए देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो ए के लिए फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर वाज ए, ठीक है, बी के लिए ए, ठीक है, ए बी ए, अब ए नहीं रहा रिपीटिंग कैरेक्टर, बी हो गया, ठीक है जी, ए बी ए डी, अब क्या होगा, बी होगा, अब फिर से बी आ गया तो बी भी नहीं रहा, ए तो था ही नहीं, ए तो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, डी बच गया, हाँ डी बच गया, सी पे आया डी है, ठीक है, इसके लिए और रन करके देखते हैं। सेकंड टेस्ट केस के लिए ए पे आया, ए देखा, ए बी तो इसने दे दिया ए, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना अपने साथ साथ रन करते हैं और लिखते रहते हैं एक बार जरा ना, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, एक बार टेस्ट केस लिख दूंगा, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, ए नॉन रिपीटिंग है, मैंने अपने ये मेरा आंसर है, ठीक है, नीचे वाला ए डाल दिया, फिर बी पे आया, बी नॉन रिपीटिंग है बट ए अभी भी नॉन रिपीटिंग है तो मैं ए को ही डाल दूंगा, ठीक है, फिर सी पे आया, सी नॉन रिपीटिंग है बट ए भी नॉन रिपीटिंग है तो मैं डाल दिया ए, ए तो यार पहले आ चुका है तो ए को दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, ए रिपीटिंग हो गया है तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, अब नेक्स्ट वैल्यू लूंगा, बी लूंगा, ठीक है, बी लूंगा। और अब एक्चुअली मेरे पास ए का कोई काम नहीं है, ठीक है, ए का वैसे काम नहीं है कोई, अब क्योंकि ए रिपीट हो चुका है तो दोबारा नहीं आएगा, बी आ गया, बी भी रिपीट हो गया है तो अब इसको भी निकाल दो यार बाहर, ठीक है। तो अब क्या आएगा, सी आएगा, सी, सी भी रिपीट हो गया, अरे यार तो अब तो कुछ नहीं बचा तो हैश डाल दो, ऐसा ही कुछ है ना, ऐसा ही कुछ है, सो ए ए ए बी सी हैश, ठीक है, तो ठीक सा लग रहा है ना। तो एक बात है कि जब मेरे पास सी आ गया ना यार एक बार की, सी तक था तो उससे पहले के तो सारे यूजलेस हो गए तो मैं इनको हटा सकता हूँ, और मैं स्टार्टिंग से ही चल रहा हूँ हर बार कि ए स्टार्टिंग वाली वैल्यू को उठा के डाल दो, फिर निकाल दो, फिर निकाल दो, ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक और टेस्ट केस लेके देखते हैं, एक और टेस्ट केस लेके देखते हैं, मान लो ए बी सी, सी बी ए आ गया और फिर ए ए एक और बार आ गया, ठीक है, मान के चलो ऐसा आ गया। अब इस केस में देखते हैं, ए ए नॉन रिपीटिंग है, ए को डाल दूंगा, ठीक है, बी नॉन रिपीटिंग है, हाँ बट अभी ए को डाल दूंगा मैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग मेरे पास ए ही नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट नॉन रिपीटिंग डालना है, लिख रखा है ना उन्होंने, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग डालना है, ठीक है। सो बी, सी नॉन रिपीटिंग है बट मैं तो फर्स्ट डालूंगा, सी रिपीटिंग है यार तो इसको मैं कुछ कर लूंगा ताकि मार्क सा कर लूं, कुछ ऐसा तरीका ढूंढ लूं कि इसको मार्क कर लूं कि अगर मान लो ए भी आ जाता है तो मैं सी को ना लूं क्योंकि सी रिपीट हो चुका है, तो कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा मुझे, ठीक है, आई ट्राई टू फाइंड दैट, ठीक है। बट ए तो यहाँ पे आ जाएगा, बी बी भी है नॉन रिपीटिंग में बट मेरे को कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं मार्क कर दूं इसको, ठीक है, समहाउ समहाउ आई नीड टू फाइंड दैट, ठीक है। ए, अब ए आया, ए तो रिपीट हो गया यार, ठीक है, अब मैं आगे चेक करूंगा, बी ये भी रिपीट था, इसको चेक करने का कुछ तरीका निकालूंगा, मान के चलो चेक हो गया, बी सी ये भी चेक हो गया मान लो, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है यार, यहाँ पे तो कुछ सब कुछ नॉन रिपीटिंग है, हैश ए हैश खाली है, ए हैश, ठीक है, तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक है। और एक बार देख भी लेते हैं कि हम सही सोच रहे हैं या नहीं, ए बी सी 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 बी ट्रिपल ए, ठीक है, सही सा आ रहा है, सही सेम सा ही आ रहा है। तो अब देखो एक बात तो यहां से ना बड़ी एविडेंट सी है, क्या कि मुझे ना यार हर बार स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, और अगर एक बार स्टार्टिंग वैल्यू का काम खत्म हो गया ना तो उसको मैं हटा सकता हूँ, तो यार ये तो डेफिनेटली क्यू में ही होता है, और उसके बाद जो वैल्यू आई मेरे को उसके बाद डायरेक्टली वो चाहिए, तो मतलब बेसिकली जो फर्स्ट आया उसको ही फर्स्ट करो, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है यार, बेसिकली क्यू ही होता है। तो अगर ए निकल गया तो अगला जो चांस है ना यार वो बी को मिलना चाहिए, ठीक है, स्टैक में उल्टा होता, स्टैक में उल्टा होता, स्टैक में सी को पहले चांस मिल रहा होता, ठीक है, तो वो नहीं देना, ए को चांस देना है। अब मेरे को एक दिक्कत थी इसके अंदर, मैं ये तो निकाल लूंगा कि ए निकलेगा फिर बी निकलेगा, बट लेट से बी ऑलरेडी आ चुका था तो उस केस में क्या करूं यार, उस केस में कुछ नहीं यार, ए कहना एक काम करो, इजी सा तरीका, या तो एक सेट बना लो
या फिर एक 26 साइज का एरे बना लो और स्टार्टिंग में उस पर जीरो डाल दो और चेक कर लो कि क्या बी जो है मेरा क्या वो ग्रेटर देन वन है, ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ चेक करके ले आओ। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन वन है तो यार ये भी मतलब बेसिकली प्रोसेस हो चुका है एक बार, तो इसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं, इसको पॉप करा दो, पॉप करा दो इसको भी क्यू में से, ये भी नहीं चाहिए। और अगर क्यू एम्प्टी हो जाती है तो हैश डाल दो, नहीं तो क्यू के फ्रंट में जो वैल्यू है उसी को उठा के डाल दो। एविडेंट सी बात है ना। आओ एक केस पे ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, एक केस पे करके देख लेते हैं, ऐसे तो बड़ा रैंडम सा हो गया है ना। केस पे ट्राई कर लेते हैं, तो केस यही ले लेते हैं, एबीसी एबीसी। ठीक है, तो एक वेक्टर बना लिया मैंने जो ए बी सी मतलब नंबर्स का बना लेना, 0 1 2 डिनोट कर देगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सब पे 0 0 पड़ा होगा, राइट। और एक क्यू बना लेता हूँ और आंसर तो मेरी स्ट्रिंग पड़ी होगी। ठीक है, ए आया, ए को मैंने उठा के इसमें डाल दिया। ठीक है, क्यू के फ्रंट पे क्या पड़ा है, ए पड़ा है, उठा के डाल दो, उठा के डाल दो, ए को वन कर दो, वन कर दो। ठीक है, बी बी को उठा के डाल दो। अगर क्यू बना रहा हूँ ना, स्टैक क्यू बना दिया मैंने। ठीक है, तो इसको खोल दो नीचे से, बस और कुछ नहीं करना, नीचे से खोलना है बस इसको, बन जाएगा स्टैक, मतलब क्यू बन जाएगी। ठीक है, तो अब ए आ गया, इसके पीछे मैंने बी उठा के डाल दिया, बट अभी भी क्यू के फ्रंट को उठा के डालूंगा मैं तो अपने आंसर में, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड रिपीटिंग है। बी को वन कर दूंगा, सी पे आया, सी को वन कर दिया, सी को उठा के डाल दिया, अभी भी क्या डालूंगा, ए डालूंगा। अब ए आया, ए यार ये तो सेम सा हो गया यार, गलत है, नहीं मतलब बेसिकली पहले तो मैं इसको बढ़ाऊंगा, पहले तो मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं चेक करूंगा क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन है। हाँ ग्रेटर देन वन है, पॉप करा दो यार इसको क्यू के फ्रंट, क्यू का फ्रंट ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता, क्यू का फ्रंट ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता। बी क्या बी ग्रेटर देन वन है, नहीं, ए की बार आया तो इसको एक डाल दो, बी डाल दो, बी सही है। अच्छा फिर आया बी, बी बढ़ गया होगा, बी बढ़ गया, क्यू का फ्रंट ग्रेटर देन टू, पॉप कर दो, पॉप कर दो। और जब तक पॉप करो, जब तक ग्रेटर देन टू है तो मतलब एक वाइल लूप लग रहा होगा है ना, बट कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि एटमोस्ट 2n ऑपरेशन लग रहे होंगे। क्या क्या होगा एटमैक्स यार, ए बी सी डी है, ए बी सी डी होगा, सारे पॉप हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, 2n टाइम्स लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, सो दिस टाइम मैं बी पे आया, बी का काउंट मैंने 2 कर दिया था यहाँ पर, और तो अब मेरे इसमें क्या पड़ा हुआ यार, सी पड़ा हुआ यार, तो सी उठा के डाल दूंगा। ठीक है, और अब मैं आऊंगा लास्ट कैरेक्टर पे अपने, क्योंकि सी है तो सी को काउंट को 2 कर दूंगा, और पॉप करना तो पड़ेगा ही क्योंकि ग्रेटर देन 2 हो गया, 1 हो गया काउंट, और अब कुछ नहीं है तो यार हैश डाल दूंगा, अदरवाइज क्यू का फ्रंट डालना। ठीक है, सो ड्राई रन हो गया, सिंपल था, बेसिक से हमने अप्रोच किया। आओ करते हैं यार, अब इसका कोड भी कर ही देते हैं ना, जल्दी से कोड कर देता हूँ इसका। ठीक है जी, और क्यू बनानी है एक, किसकी क्यू बनेगी, कैरेक्टर की बनेगी है ना, और एक वेक्टर बना लेता हूँ, वी बना लेता हूँ 26 साइज का, जिसके अंदर स्टार्टिंग में 0 डाल देता हूँ, और हर कैरेक्टर के लिए जाना है तो एक आइटरेटिव ये बना देता हूँ, कैरेक्टर सी तो एन की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही बनाया है ना, हटा देता हूँ। अच्छा, और एक स्ट्रिंग आंसर बना लूंगा यार, या तो है ना, तो उसको रिटर्न करा दूंगा स्ट्रिंग आंसर। ठीक है, अच्छा ये बना ली, अब मुझे क्या करने का है, बेसिकली कैरेक्टर ऑफ उस पर बढ़ाने बढ़ानी है, वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक है, तो सी माइनस ए करके इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्यू को कब तक पॉप करने का है, जब तक या तो क्यू एम टी ना हो जाए, या फिर क्या ना हो जाए, क्यू का जो फ्रंट, बेसिकली वी में क्यू के फ्रंट की जो वैल्यू है माइनस ए, बेसिकली ग्रेटर देन वन ना हो, वन हो तो पॉप करने का है मेरे को। यही तो स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं हम, कि अगर जो फ्रंट पे वैल्यू है ग्रेटर देन वन हो जाती है, मतलब उसकी अकरेंस पहले आ चुकी है जो फ्रंट पे वैल्यू पड़ी, तो वो मेरे को नहीं चाहिए, उसको निकालना है बाहर। ठीक है, इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्यू के फ्रंट पे जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली आंसर में ऐड कर दो, वो तुम्हारा एक वैलिड पेयर ला के दे देगा तुम्हें। ठीक है, एल्स एल्स क्या ऐड कर दो आंसर में, हैश टैग ऐड करने का, बस खत्म, सही सा लग रहा है, टाइपिंग एरर्स के अलावा सही होना चाहिए सब कुछ। जीयू में कुछ दिक्कत आ रही है, जीयू में हैश हैश आ रहा है, क्यू में कुछ पुश नहीं किया क्या, हाँ क्यू में कुछ पुश ही नहीं किया कभी, तो फर्स्ट कैरेक्टर आई गेस पुश करना चाहिए मुझे यहाँ पर।
में मेरे को पुश करना चाहिए str ऑफ 0 स्टार्टिंग में, एक्चुअली स्टार्टिंग में क्यों, हाँ मतलब स्टार्टिंग में करना चाहिए, बट यहाँ क्यों कर रहा हूँ, यहाँ कर देता हूँ ना, यहाँ पे पुश कर देता हूँ कैरेक्टर को, कैरेक्टर को भी पुश ही नहीं किया था तो यहाँ पुश कर देता हूँ उसको, फिर वो चेक हो जाएगा अगर फर्स्ट पे वैल्यू पड़ी है तो ठीक है ना, फिर मान लो ए आता है सिर्फ, तो वहां पे ए तो आना ही चाहिए जो कि फ्रंट में है, ठीक सा लग रहा है, सही है, इजी था, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना यार, अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम लिंक्डइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो, एंड थैंक्स।